अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, इसे डिलीट किया, मैं कुछ यहाँ पर एक मैं जहाँ जहाँ ये क्लिक करता जा रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से है। आप जब लगाएंगे तो हो सकता है कुछ बेसुरा सुन रहा हो, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्केल, म्यूज़िक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। मैंने इसे प्ले किया, इसे मैं लूप के अंदर रखता हूँ। हाँ, अगर आपका इस तरह से रहता है तो ये नेक्स्ट बार को भी बीच में काउंट कर लेता है। देखिए किस तरह से, अगर मैं इसे इस लाइन के पीछे रखूं तो इसने पर्टिकुलर परफेक्ट लूप बना दी। अब मैं यहां पर एक इफेक्ट यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं फ्लैम, FLAM। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्लस एफ। जैसे ही मैंने ऑल्ट प्लस एफ प्रेस किया, यहां पर जो विंडो आई है पियानो रोल फ्लैमर, और यहां देखेंगे एक छोटा सा नोट शुरू में तुपका सा साइड में लग गया है। वो किस तरह से साउंड करता है, आप देख रहे हैं, टिंग टिंग की जगह ट्रिंग टिंग 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 टिंग, एक ट्रिंग की साउंड देता है जो बहुत ही एक रियल पियानो प्लेयर की फील देता है। मैंने इसे क्या किया, मैंने टाइम को थोड़ा यहां से सिलेक्ट किया कि वो जो शुरू की ट्रिंग की साउंड है वो कितनी लंबी होनी चाहिए या कितनी छोटी होनी चाहिए। चलिए इतनी रखते हैं, आप उसकी वेलोसिटी भी छेड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वेलोसिटी जब छेड़ रहा हूँ तो मेन नोट की वेलोसिटी मेरी वही है, जो साथ में ट्रिंग मैंने एक फ्लैम ऐड किया है उसकी यहाँ पर कम ज़्यादा हो रही है। चलिए मैं इतनी रखता हूँ, और मैंने किया एक्सेप्ट, राइट क्लिक। अब सुनते हैं, मैंने इसे पकड़ा, थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया, यहाँ क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को भी सिलेक्ट किया, ऑल्ट एफ। अगर मैं इसे अभी मूव नहीं करता हूं तो ये ऑलरेडी जो मैंने वहां पर जैसी सेटिंग की थी ये वो सेटिंग को याद रखता है। मैंने किया एक्सेप्ट, राइट क्लिक। अब हम शुरू से सुनते हैं। अरे अरे, एक मिनट, रिकॉर्ड का बटन दब गया। हाँ, स्टॉप। इतने फ्लैम्स की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा बेसुरा ही कर रहा है। चलिए, सिलेक्ट किया, डिलीट। अब हम क्या करते हैं, अगली ऑप्शन पढ़ते हैं, या बिफोर कंट्रोल ऑल्ट जेड वो वापस आ गया है। एक ऑप्शन हमारे पास है फ्लिप करने की, जो ये आपके पास सुर चल रहे हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये राइट क्लिक है, मैंने एक बार में प्रेस करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं इसके नीचे एक साइन बना हुआ है डिलीट का। चाहे तो आप राइट क्लिक प्रेस करके रखें तो भी ये डिलीट करता रहता है, या फिर आप सीधा यहाँ जाएँ इसे सिलेक्ट करें तो भी ये हो सकता है। मैं ड्रॉ ही रखता हूँ और शॉर्टकट से काम करता हूँ। मैंने ये प्रेस किया, साउंड आई, मैं चाहता हूँ ये रिवर्स में प्ले होना शुरू हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्लस वाई। मैंने वाई किया पियानो रोल स्कोर फ्लिपर, वो उल्टा हो गया, आप प्ले करके सुन सकते हैं। तो मैंने फिलहाल क्या किया, अब इसे किया मैंने कैंसिल, कंट्रोल इस सब को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, इसे मैंने पकड़ा, मूव किया और मैं इसे यहाँ ले आया। अब ये मैं जब सिलेक्ट हो रखा है, ऑल्ट वाई, ये मेरा फ्लिप हो गया। यहां मैंने किया एक्सेप्ट, राइट क्लिक। अब हम सुन के देखते हैं कि वो क्या बना है। तो ये बहुत ही कूल ऑप्शन है और आप इसके साथ बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसे डिलीट किया, चलिए मैं ओवरऑल डिलीट करता हूं। अब हम बात करते हैं कॉर्ड की। मैं यहां पर एक बेसिक कॉर्ड लेता हूं, लेट से मैंने ली सी मेजर। आप सोच रहे होंगे ये सी मेजर अब कहाँ से आ गई, मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी वाले में एक एक करके हम बहुत आसानी से इसे समझेंगे। फिलहाल मैं एक कॉर्ड का पैटर्न सेट कर रहा हूँ, चलिए इतना ही देखते हैं।
इसे सिलेक्ट किया, थोड़ा मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा के देखता हूँ। आप देख रहे हैं कॉर्ड की खूबसूरती निखर के आती है। अब ये फिर से मैं देख रहा हूँ, कॉर्ड ऐसे लग रही है जैसे कुछ प्लास्टिक सी साउंड कर रही है, कोई रॉबर्ट प्ले कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये इस तरह से साउंड करे कि कोई रियल इंसान स्ट्रम कर रहा है। स्ट्रम, तो मुझे क्या करना होगा, शॉर्टकट फॉर स्ट्रमाइजर। मैंने कंट्रोल ये सिलेक्ट किया, ऑल्ट एस। जैसे मैंने ऑल्ट प्लस एस प्रेस किया, आपके सामने ये विंडो आ गई है, पियानो रोल स्ट्रमाइजर। और यहाँ देख सकते हैं छोटा छोटा गैप मेंटेन हो गया है। आप फिर से ध्यान देंगे, मैंने इसे कैंसिल किया, वो 0-0 पर तीनों नोट लगे हुए हैं। मैं जैसे ही ऑल्ट एस प्रेस करूँगा, वो तीनों का थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है टाइमिंग में। वो टाइमिंग कौन सी है, इस टाइम नॉब से। अगर मैं इसे और मूव करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं और ज़्यादा उनमें गैप आता जा रहा है। चलिए, मैंने इतना सा गैप रखा और स्पेस बार दबाकर सुनकर देखा कि वो कर क्या रहा है। अब सिर्फ ढिंग उसकी का वो आवाज़ कर रहा है, ट्रिंग। मैंने इसे एक्सेप्ट किया। हम ये कॉर्ड और ये कॉर्ड की साउंड अब सुनेंगे कि क्या डिफरेंस आया है स्ट्रमिंग से। तो आप देख रहे हैं ये कितनी रियल और बड़ी अच्छी सुन रही है, ये बहुत प्लास्टिक सुन रही है। मैंने कंट्रोल किया, इसे सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस एस। उसने पिछली ऑप्शन याद रखी है कि टाइम कितना रखा था मैंने, टाइम स्ट्रेंथ। मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। जब उसने नोट आगे किया, वो थोड़ा आगे की तरफ चला गया, तो मैंने स्लाइस किया और राइट क्लिक से किया ताकि वो रेड वाला आ जाएगा, जिस साइड का छोटा है अपने आप उड़ जाएगा। मैंने वापस किया ड्रॉ। अब हम प्रेस करके देखेंगे क्या साउंड आती है। अगर मैं इसके ऊपर कोई नोट लगाता हूं, मैं थोड़ा सा इसे जूम करूं, हाँ, ये किया पीछे, ये किया पीछे, इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, फ्लैम लगा कर देखते हैं, ऑल्ट एफ। मैंने यहां फ्लैम लगा दिया है, एंटर। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एफ। यहां से लिया मैंने स्लाइस, राइट साइड से काट दिया। अब देखते हैं किस तरह से ये साउंड करता है। तो ये ऐसी फील दे रहा है जैसे कोई रियल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है। अब ओवरऑल मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट आर प्रेस करूंगा। ये देखिए यहां पर सबकी वेलोसिटीज चेंज हो गई है। मैं इतनी ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा आसपास ही रखना चाहूंगा। एक्सेप्ट किया, तो अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई रियल पियानो प्लेयर इसे प्ले कर रहा है। अब एक ऐसी ऑप्शन जो आपके ओवरऑल सॉन्ग का मूड ही चेंज कर सकती है। सबसे पहले मैं आ गया ड्रॉ, कंट्रोल, इस सबको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इसे पकड़ा, वापस ऊपर गए और एक सी मेजर कॉर्ड, एक कॉर्ड के नाम से घबराने की जरूरत नहीं, एक। चलिए, ये है सी मेजर। कॉर्ड लग गई। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल सिर्फ इधर वाला सिलेक्ट किया और मैं इसे करूंगा RPG8। RPGation क्या चीज़ है, अगर आप में से कोई गिटार प्लेयर है उसे ये वर्ड ऑब्वियसली पता होगा। किसी एक पर्टिकुलर कॉर्ड को पकड़ के सिर्फ उन्हीं तीन या उन्हीं चार नोट्स को बार बार इधर उधर मूव करते रहना और उसी कॉर्ड में से नोट्स को पिक करते रहना। सिलेक्ट किया, मैं अब करूंगा ऑल्ट ए। ऑल्ट प्लस ए करते ही आप देख रहे हैं वो जो मेरी कॉर्ड थी वो नोट्स में कन्वर्ट हो गई, लेकिन है उसी सुर पर, जो G6 पे था G6 पर है, जो E पर था E है, जो C था वो C है। स्पेस बार प्रेस करके देखें क्या हुआ है। ठीक यहां से मैं गया टाइम मल्टीप्लिकेटर, इसे मैं मूव करूंगा, थोड़ा आगे किया, क्या साउंड हुई, पीछे गया। फिलहाल यहां रखते हैं, अभी हम सिर्फ टाइम मल्टीप्लिकेटर पर जाते हैं। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें, यहां पर दिया है पैटर्न, नॉर्मल की जगह मैंने किया फ्लिप, अल्टरनेट, तो लेट्स से हम यूज करते हैं फ्लिप। और रेंज का मतलब क्या है, अभी ये सिर्फ G6 C6, ये सिर्फ 6 नंबर के ऑक्टेव में चल रहा है। अगर मैं इसे 2 करता हूं, इसे स्क्रॉल किया 2, तो ये 7 तक पहुंच गया है, रहेगा वही। मैंने इसे
एक्सेप्ट किया। यहाँ से आप देखेंगे CEG, जो 6 पे था अब वो 7 पे आ गया है। अब ये ऑक्टव क्या चीज़ है, थ्योरी वाले लेक्चर में आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। प्रेस करके देखते हैं स्पेस बार। नाइस, कंट्रोल, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट ए, उसने पिछली जो ऑप्शन है वो याद कर रखी है, एंटर, राइट क्लिक। अब हम ओवरऑल सुनकर देखते हैं, ये आपको 80s के डिस्को वाली फील देगा। तो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक ऑप्शन, सिर्फ एक आरपीजिएटर से आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने आज जो ऑप्शन सीखी है पियानो रोल के अंदर, अभी इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल एक बिगनर के लिए अभी आपको मैंने क्या क्या बताया है, चॉप, आरपीजिएट, स्ट्रम, फ्लैम, फ्लिप और वेलोसिटी चेंज के लिए रैंडमाइजर। अब मैं चैनल रैक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर है FL कीज। मैंने क्या किया, पैटर्न चेंज नहीं किया है, राइट क्लिक, इंसर्ट, और मैंने एक और कुछ ले लेते हैं, मैंने लिया 3x ऑसिलेटर, राइट क्लिक, पियानो रोल। कंट्रोल, इसे सिलेक्ट किया, पकड़ा मैंने पीछे किया, इसको पकड़ा पीछे किया, अब जब मैंने इसे प्ले किया तो इसके साथ साथ आप FL कीज भी सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इकट्ठे की सुनने लग गए क्योंकि मैंने यहां पर पैटर्न चेंज नहीं किया। सेम पैटर्न के अंदर ही मैंने 3x ऑसिलेटर भी सिलेक्ट कर लिया, उसी के अंदर मैंने FL कीज भी सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं 3x ऑसिलेटर के नोट्स फिट कर रहा हूं तो मैं ऊपर नीचे देखता हूं, मुझे FL कीज के नोट तो नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, यहां से गए हम हेल्पर्स में, आप यहां से देख सकते हैं घोस्ट चैनल मैंने ऑन किए तो FL कीज के जो नोट हैं वो आपको यहां पर नजर आने शुरू हो गए हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अब आपको दिखेगा कि पिछले चैनल के अंदर क्या क्या प्ले हो रहा है। अब मैं उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, दूसरे चैनल के नोट पर गए, डबल क्लिक करना है राइट वाला, और मैं इधर आ गया हूं, वापिस उधर जाऊंगा, उसके किसी भी एक नोट पर गए, राइट क्लिक डबल, इधर आ गए। अब इसको तो मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये अभी फिलहाल मैं चेंज नहीं कर सकता जब तक मैं उसके अंदर डबल क्लिक करके ना जाऊं, या डबल क्लिक करके ना जाऊं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस चैनल की भी नोट्स को चेंज कर सकूं और उस चैनल के नोट्स के साथ भी मैं खेल सकूं। तो मुझे करना है, फिर से यहां गए हेल्पर्स, और यहां दिखा है एडिटेबल घोस्ट, मैंने ऑन कर दिया है। अब जो उसके घोस्ट हैं वो एडिट होना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए बहुत ही कूल ऑप्शन है। आप जहां पर गए क्लिक किया, 3x ऑसिलेटर के भी वहां पर नोट नजर आ रहे हैं, FL कीज के भी नजर आ रहे हैं। रिमूव करने के लिए राइट क्लिक, डिलीट, ओके, और ये डिलीट हो गया। मैंने क्या किया, पैटर्न 1 पे क्लिक किया और प्लेलिस्ट पे क्लिक किया। अब मैंने इस ब्लैक पे एक बार क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा मैं जूम किया, चाहे आप यहां से पकड़ के कर सकते हैं, प्ले करके देखा, अब मैं चाहता हूं दूसरा इंस्ट्रूमेंट मेरा नीचे प्ले हो, तो सबसे पहले सही तरीका क्या है, मुझे पैटर्न चेंज करना होगा। मैंने यहां पर पैटर्न 2 कर दिया है, स्टेप सिक्वेंसर पर क्लिक किया, स्टेप सिक्वेंसर या फिर चैनल रैक एक ही बात है, इस पर क्लिक किया, यहां से मैं गया 3x ऑसिलेटर लिया था सॉरी, यहां पर क्लिक किया, राइट क्लिक, पियानो रोल, और मैं नीचे जाता हूं थोड़ी बेस देने के लिए। वहां क्लिक किया, पैटर्न 2 पे क्लिक किया, ये मेरे सामने आ गई है, सुनकर देखते हैं। तो इस तरह से आप पैटर्न चेंज करते रहेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते रहेंगे चैनल रैक में, उनको पियानो रोल में लेके जाएंगे, वहां पर उसके नोट्स प्ले करेंगे और यहां पर अरेंज करते रहेंगे, जिसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ कोर्स। तो फिलहाल आपने जो ऑप्शंस आज देखी हैं पियानो रोल की, आपको प्रैक्टिस करनी है,
आप उसके ऊपर या नीचे और भी बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी ऑप्शंस देख रहे होंगे जो मैंने फिलहाल नहीं बताई, क्योंकि एज अ बिगनर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन फोकस है कि आप सिर्फ 4 या 5 लेक्चर के अंदर ही कुछ ना कुछ म्यूज़िक बनाना शुरू कर दें, वो आपके लिए एक मोटिवेशनली भी बहुत हेल्प करेगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सुर और ताल की, यानी की और टेम्पो की। तब तक के लिए अंकित दे फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते। Thank you.